उसके भरोसेमंद दोस्त अब सफर की आखिरी पड़ाव पर हैं। अब वो साते राज्य तंजानिया के किलिमंजारो के पड़ाव की निचली घाटी में पहुंच गए हैं, केन्या की सीमाओं से होते हुए। सिम्बा काफी चिंतित है। उसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई घटना घटने वाली है। उधर दूसरी तरफ उसके दोस्त नजारों के मजे लेते हुए आराम फरमा रहे हैं। पता है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे हम कोई अनजान जगह पर हों। बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर। पर अभी मुझे सिम्बा की चिंता हो रही है। बहुत गंभीर दिख रहा है वो। जब तक वो हमें यहाँ आराम करने दे रहा है, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो बलू? मैंने सुना है कि सिम्बा ने चील को किसी काम के लिए भेजा है। कुछ गड़बड़ है क्या? उसने जरूर शेर खान और तबाकी पर नजर रखने के लिए भेजा होगा। अच्छा, तो हमें किसी खबर के आने तक इंतजार करना होगा यहाँ। अब इंतजार नहीं होता। वो दिन कब आएगा जब शेर खान से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा? तुमने बिल्कुल सही कहा। ना जाने कब हम चैन और शांति की नींद सो पाएंगे। तुम बहुत आलसी हो। ये बात तो है। चिड़ियों से चहचहाते पेड़ के नीचे एक प्यारी और मीठी नींद से बेहतर कुछ भी नहीं। और मधुमक्खियों की प्यारी गुनगुनाहट और उनका स्वादिष्ट शहद, पूरे दिन मजा। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता, पर मैं स्वर्ग में हूँ। और मधुमक्खियों का डंक? मधुमक्खियों का डंक? तुम नहीं सुधरोगे बलू। सिम्बा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं ईगल और मैना के सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैना और ईगल एक साथ गए हैं? तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा? नहीं, इस बार मुझे सारी जानकारी जल्दी चाहिए। वो उड़कर ये काम जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर तुम भी चले जाते तो मैं गेंद किसके साथ खेलती, बताओ? गेंद तो हम कभी भी खेल सकते हैं। अच्छा, वो देखो, वो रहे। आ, वो मुझे दिख रहे हैं। शुक्र है कि वो ठीक है। हम वापस आ गए सिम्बा। ओह मैना, तुम थक गई होगी। ए मैना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैना, तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? कितना अजीब है ये फरना। उसे लगता है कि ये मजाक है।
रख लिया है और मैं चाहता हूँ कि सब मुझे विनारी बुलाएं। तुम्हारा नाम विनर है? हाँ, आज से मेरा नाम यही है। ठीक है, विनर ही सही, पर तुमने और कितनी बातें छुपाई हैं जो हम नहीं जानते। नहीं, बस यही एक बात है सिम्बा। ये नाम तो काफी अच्छा है, बिल्कुल किसी विजेता की जैसा। काश ये सच हो मैना। क्या तुमने योजना के बारे में बताया? हाँ बिल्कुल। ईगल शेर खान और उसके साथी किलिमंजारो के पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में है सिम्बा। अगर वो ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसका आक्रमण और खतरनाक होगा। उसने वहां पहुंचने की बहुत सारी योजना बनाई होगी। अगर वो हमसे पहले वहां पहुंच गया तो उसे वहां से हटाना बहुत मुश्किल होगा, उसे रोकना ही होगा। हाँ, लेकिन उसे वहां जाने से कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, पर यहाँ खुले मैदान में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। क्या हम उससे ऐसे ही झगड़ते रहेंगे? कभी शांति नहीं मिलेगी क्या? इसका एक ही उपाय है, मुझे शेर खान को हमेशा हमेशा के लिए हराना होगा। पर तुमने शेर खान को बहुत बार हराया, पर तुम उसे रोक नहीं पाए। सही कहा, पर पहले उसे कहीं अकेले में धर दबोचना होगा। सिम्बा, मेरे पास एक तरकीब है, शायद उससे काम बन जाएगा। वो क्या कह रहा है? क्या पता? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। मैना, बक्शॉट को तुम जाकर बता सकती हो कि उन सबको जगह खाली करनी है, जल्दी। हाँ सिम्बा, चलती हूँ। सब तैयार है, हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आग लगी है? हट जाओ, कहाँ तुम बहुत भारी हो। जान बची? तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है? नहीं, मैं अभी और खा सकता हूँ सच में। जल्दी चलो यहाँ से, सिम्बा को हमारी जरूरत है। तैयार? चलो फ्लैश। फिर से गांठ लग गई। लगता है वो लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें मालिक? वो दिख नहीं रहे पर उनकी गंध आ रही है। आपसे कोई मिलने आ रहा है क्या हुजूर? तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपने किसी का नाम भी तो नहीं लिया। कौन हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ सकता है भूसा भरा दिमाग में? सिम्बा और उसके दोस्तों के अलावा यहाँ कौन आएगा? तुम इतनी बात नहीं समझते? पता नहीं हुजूर, मैं तो यहाँ किसी से नहीं मिला। कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया? अगर आपको याद हो, किसी को ये नौकरी नहीं करनी थी और आपको एक खरगोश पकड़ने वाले की जरूरत थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। ये मत मालिक, सिम्बा के दोस्तों के अलावा सभी पसंद करते हैं। बात हुआ, सिम्बा का नाम मेरे सामने मत लो। माफ कीजिए, माफ जाओ, जाकर अपना काम करो।
हमारी टुकड़ियों को योजना के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार करो जल्दी। क्या हम पहुंच गए? हाँ, शायद। अब हम सबको बिल्कुल शांत रहना होगा। मेरे सारे साथी तैयार हैं सिम्बा। तुमने उन्हें सब ठीक से समझा दिया ना ईगल? हम सब हर हालत में शेर खान को वहां दर्द दबोचेंगे। समझ गया सिम्बा। ठीक है साथियों, पीछे आओ। तुम्हारी शाही पोशाक। हाँ, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हम सब गायब हो जाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो? शायद मेरा वहम हो सकता है आसपास कोई हो। गंध तो आ रही है, जरूर कोई है। ये आवाज कैसी थी हुजूर? मुझे डर लग रहा है हुजूर। हम तब तक उनका पीछा करेंगे जब तक शेर खान अपने साथियों से अलग ना हो जाए। हुजूर, बेहोशी से वापस आइए हुजूर, इतना मैं डरी हूँ। मुझे लगता है कोई हमला होने वाला है। कहाँ, क्यों, कैसे, किधर? हुजूर, होश में नहीं, मैं निकल गया। शेर खान इसी तरफ आ रहा है बख्शा, तुम तैयार हो ना? हाँ, चलो चले। वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जहाँ सिम्बा ने कहा। हाँ, चलो उसका पीछा करते हैं। Oh!
सिम्बा, किसी भी तरह शेर खान को पेड़ों की तरफ ले आओ, यही सही मौका है। उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करना। आर्बर, हमारा ख्याल रखने के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक तो उसे गायब हो जाना चाहिए था। अच्छा चकमा दिया। यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। Ah!
दया करो। दया की भीख मांगते शर्म आनी चाहिए। पर राज में शांति चाहिए तो बदला लेना गलत बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अगर इस राज्य में तुम्हारे जैसे लोग हैं तो शांति मिलना असंभव है। मेरे पिता और माँ को तुमने मुझसे दूर किया, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें माफ करूंगा? तुमने तब दया नहीं दिखाई ना उनके बच्चों के लिए। तुम दया के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ सिम्बा। पर मैं अब भी अनाथ हूँ के नहीं, और तुम्हें एक दिन सजा देने का मैंने निश्चय किया था और वो होगा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे चाचा की तरह यहाँ से चला जाता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब से सिम्बा और उसके दोस्तों को सिंहासन के खोने की कोई चिंता नहीं रहेगी। आखिरकार सिम्बा के दोस्त उसका राज्याभिषेक होते हुए देखेंगे। सिम्बा राजाओं का राजा है, शांति का राजा।